रियासी पुलिस की जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज है कि हम टाइम टू टाइम जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट में जो है वो चलान करते रहते हैं, टाउन का एरिया जो है उसको कवर करते हैं, बस स्टैंड का एरिया जो है वो कवर करते हैं, और अलग अलग ऑफेंसेस में जो जो भी कोई भी जो प्लायर है वो जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको हम जो है वो चलान करते हैं। इसके साथ साथ चलाने के साथ साथ हम जो ड्राइवर्स हैं उनको ब्रीफ भी करते हैं कि जब भी आपने पैसेंजर व्हीकल चलानी है तो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो नहीं करनी है, आपकी गाड़ी के सारे कागज़ जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, आपकी जो फिटनेस है वो वैलिड होनी चाहिए, टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी का चेकअप आप जो है वो करवाते रहें, ओवरलोडिंग जो है वो ना करें, इस तरह की जो अवेयरनेस है वो भी जो है वो ड्राइवर्स को दी जाती है। देखिए ये अगर मैं आपको आज की बात करूं, ऐसे अगर पीछे हम इस पूरे साल की बात करें तो उसमें तो हज़ारों में हमने चलान किए हुए हैं और कई सौ गाड़ियां जो है वो सीज़ की हुई हैं, बट अगर हम आज की बात करें जो सुबह से हम जो ड्राइव चला रहे हैं उसमें अभी तक जो है हमने जो है 60 चलान कर दी हैं और उसमें जो है वो 35 व्हीकल्स जो है वो सीज़ कर दी हैं। अभी ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है, जो शाम तक ये एक्सरसाइज जो है वो चलेगी। बिल्कुल, देखिए ओवरलोडिंग जो है उसमें बिल्कुल चलान दिया जा रहा है, रूट परमिट में जितने बताया गया हुआ कि इतने ही पैसेंजर जो है इंक्लूडिंग ड्राइवर इतने ही पैसेंजर जो है वो गाड़ी में आ सकते हैं, उसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा है तो उसको हम जो है ओवरलोडिंग में चलान दे रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव का जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो उसको चलान भी किया जाता है, उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाता है और उसके मतलब आगे भी हम फर्दर कार्रवाई भी करते हैं कि जो जो भी मतलब हो सके ताकि हम इस चीज़ को रोक सकें कि ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो डेंजरस चीज़ है, वो फर्दर फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। है कि आपने देखा होगा कि कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और जब उस एक्सीडेंट के बाद उस एक्सीडेंट केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें हमेशा ये पाया जाता है कि चालक जो है वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइव कर रहा था और उसके बाद उसकी ओवरलोडिंग जो है ओवरलोडिंग थी। तो इसलिए हमने पर्टिकुलरली ये फोकस किया हुआ है कि जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं, मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं, टेम्पूज हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, और आपको पता है रियासी का फार फ्लंग एरिया है, हिली टेरेन है, रोड भी जो है वो काफ़ी कर्व्स हैं उसमें, तो इस तरह वो जो गाड़ी जो वहाँ पे चले उसका प्रॉपर फिटनेस होना चाहिए, ड्राइवर जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए, उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए और ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही अंदर और ना ही गाड़ी के ऊपर या बाहर। देखिए मैं बताता हूँ आपको उसमें होता क्या है कि आपने देखा होगा कि बड़े सारी गाड़ियाँ जो है उनके ऊपर आगे एक्स्ट्रा टेप लगाई जाती है, कुछ नाम लिखे जाते हैं, कोई पोस्टर लगाया जाता है, कोई फोटो लगाया जाता है, कुछ और तरह की वो एक किस्म से कोशिश करते हैं कि हम अपनी गाड़ी को डेकोरेट कर रहे हैं, बट ये डेकोरेशन नहीं है। इससे क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी जो है, जो ड्राइवर की विजिबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है, उसकी विजिबिलिटी पुअर हो जाती है, जब उसके सामने कोई चीज़ लटक रही होगी तो वो जो क्लैरिटी उसको अपने मिरर से देखनी है वो उसको देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए वो जो चीज़ें लगाई गई हैं, डेकोरेटिव चीज़ें जो हैं लगाई गई हैं, उसमें ड्राइवर्स को अवेयर किया है कि ये आपने स्टिकर इस तरह के नहीं लगाने हैं, जिस तरह का गाड़ी का मेक आया है, जो ऑलरेडी उसको लगा हुआ है, उतना ही लगाना है, मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, जिसने मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा की होगी उसको कंट्रावेंशन ऑफ आरसी में हम सीज़ करेंगे। अभी थोड़ी देर के हमने जो है वो मेडिकल कैंप भी जो है वो यहाँ लगाया गया है, वो पर्टिकुलर ड्राइवर्स के लिए ही है, हम उनका चेकअप भी करवाएंगे, देखेंगे कि किसकी आई साइट जो है वो ठीक है, किसका ब्लड प्रेशर जो है ठीक है, नॉर्मल रूटीन चेकअप जो है, ताकि जो बंदा जो पैसेंजर व्हीकल लेके जा रहा है वो प्रॉपरली हेल्थ मतलब फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, क्योंकि उस सिंगल ड्राइवर पे जो है बाकी सारे लोगों की जो है वो जान है, तो इसलिए वो जब फिट होगा ठीक होगा तो अच्छे से गाड़ी चलाएगा।